जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त नुमान मलिक इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल मशहूर। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है वो बाबू कराची अल मशहूर कबाब पराठा जो है वो बहुत ज़्यादा जिंदा दिलाने शहर लाहौर की अव्वलीन तरजीह है और लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पे रात देर तलक जो है वो विज़िट करती है। इस वक्त बहुत मशहूर शॉप है, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो कि तकरीबन 125 साल से अपने खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और जो बाबू साहब थे वो आप जानते हैं कि रात देर तलक ऑर्डर्स वगैरह यहाँ पे लोगों का हजूम जो है वो दीदनी था। मुख्तलिफ आप ये देखें कि फ्रेश जो है और हेल्दी फूड जो है वो अपने कस्टमर के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। आप भी यहाँ पे रुख करें अपनी फैमिलीज के साथ, फैमिली हॉल भी यहाँ पे मौजूद है, दोस्त अहबाब भी यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और इसकी आप ये देखें जो खसूसियत की अगर बात करें तो मियारी फूड जो है बारबेक्यू का यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है और कबाब पराठा जैसे कि अवेज़ा भी है और उनकी पिक्चर भी जो है वो सामने लगाई गई है। नाम ही काफ़ी है और नाम ही एक ब्रांड की हैसियत इख्तियार कर गया है और लोग बड़ी दूर दराज से मैंने देखा है कि लोग इंतज़ार करते हैं बाकायदा अपनी बाड़ी का और लोग कहते हैं कि हमने वहाँ पे दोस्तों को भी बताते हैं कि हम वहाँ पे गए थे और बड़ा मियारी फूड और टेस्ट हमें जो है वो मिला है। तो आप देखें कि यहाँ पर फ्रेश बिल्कुल डेली बेसिस पे फूड जो है वो तैयार किया जाता है तो बहुत ज़बरदस्त ये एक ब्रांड की सी सूरत जो है वो इख्तियार कर गया है और बहुत यानी कि शादी ब्याह दीगर तकरीबात पे भी अगर बात करें तो ऑर्डर पे भी जो है वो दो दिन पहले या चार दिन पहले अगर आप ऑर्डर दें तो आपको पूरा वो सेटअप करके इनकी मैनेजमेंट की तरफ से आपको सेटअप लगा के दिया जाएगा और वहाँ पे आप जो है अपने ताकि इस खूबसूरत फूड से जो है वो आप लुत्फानंदोज हो सकते हैं। तो मैं इस वक्त जैसे कि मैंने बताया बाबू कराची अल मशहूर कबाब पराठे की शॉप पे मौजूद हूँ। LOS से आप अंदर तशरीफ लाते हैं चुबुरजी, न्यू चुबुरजी पे तो मशहूर एक शॉप आपको नज़र आएगी। ये तकरीबन बहुत ज़्यादा अपनी खिदमात इन्होंने सर अंजाम दी हैं और यहाँ पर आप ज़रूर रुख करें अपनी फैमिलीज के साथ और दोस्तों के साथ जो है यहाँ पर विज़िट कीजिए ताकि आप अच्छे और लजीज खाने से और फ्रेश फूड से जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।